कपूरथला सुभानपुर रोड पर स्थित बाबा श्री चंद के डेरे के 11 एकड़ जमीन पर कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह के खासम खास कांग्रेसी नेता नवराज सिंह ने कब्जा कर दर्जनों हिंदू साधु संतों के साथ कपूरथला पुलिस की मौजूदगी में तेजधार हथियारों के साथ गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रही। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कपूरथला सुभानपुर रोड पर स्थित बाबा श्री चंद के डेरे के 11 एकड़ खेती योग्य जमीन है। डेरे की जमीन को लेकर कांग्रेसी नेता नवराज सिंह टोपी का डेरा प्रमुख रहे स्वर्गीय किशन दास जी महाराज का कोर्ट में केस चल रहा था। माननीय हाई कोर्ट ने डेरे के साधु संतों के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन डेरे पर गद्दी नशीन संत किशन दास महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद महंत गंगादास, महंत केशवदास, महंत बाबा राजकिशोर आदि संतों की मौजूदगी में किशन दास महाराज की गद्दी पर संत वासुदेव दास महाराज को बिठाया गया, ताकि ये डेरा पहले की तरह ही निरंतर समाज सेवा व हिंदू धर्म का कार्य करता रहे। संत वासुदेव दास महाराज अनुसार डेरे पर कब्जा करने की नीति के तहत 8 महीने पहले राजनीतिक नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्हें जेल भेज दिया था, जिसके बाद कपूरथला पुलिस डेरे की चाबियां संत समाज को सौंपने की जगह कांग्रेसी नेता नवराज सिंह टोपी को थमा दी, ताकि हिंदू समाज के डेरे पर कब्जा लिया जा सके। जेल से जमानत मिलने के बाद संत वासुदेव महाराज ने हिंदू समाज के पूजनीय संतों महंत गंगादास, महंत केशवदास, महंत बाबा राजकिशोर के पास डेरे को छुड़वाने के लिए उन्हें और कपूरथला हिंदू व सिख धार्मिक के साथ कांग्रेसी व अकाली नेताओं को साथ लेकर डेरे के भीतर जाने लगे, तो पहले से डेरे में मौजूद कांग्रेसी गुंडा नेताओं ने पूजनीय हिंदू संत समाज पर तेज धार हथियारों के साथ कपूरथला पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद साधु संतों और धार्मिक व राजनीतिक लोगों ने कपूरथला सुभानपुर रोड को जाम कर दिया। वहीं पुलिस की खाकी का रोप कांग्रेसी गुंडा नेताओं पर ना चला, उल्टा साधु संतों व धार्मिक नेताओं पर चलता दिखाई दिया, जहां डेरा गद्दी नशीन संत वासुदेव दास महाराज के साथ कांग्रेसी व अकाली सीनियर नेताओं ने साफ शब्दों में कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह पर आरोप लगाते कहा, किशन दास जी ने पाठ रखाया जो असी एक जोत वाले का तो विरोध किया, तो इन्होंने यही टोपी ने ग्रंथ साहब चुका दिता, ठीक है। फिर एस पी जी सी से मंजूरी करा के असी ग्रंथ साहब लिया, ठीक है। ग्रंथ साहब आज का नहीं पिया, जरा वो गुरुद्वारा बनया वो भी असी बनाया, पुछ लो इन तू लाई है, असी बनाया, जलंधरों ग्रहाई की, कपूरथलों ग्रहाई की, पिंड वाले ने ग्रहाई की सब ने, और तुसी देख लो जो बगैर पिंड कोई पिंड का बंदा नहीं, यही तो दो घर ने जो जमीन बीज दे और कोई नहीं है। पिछले 50 साल तो इतने सेवा कर रहे हैं, जेदी इतने सेवा कर रहे हैं, गां उन्होंने गद्दी दी मंत जी ने, जो पहले पहले मंत जी जो गद्दी गद्दी छड़ के इस मंत जी मंत जी मिनट ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਥਾਪੀ ਆ, ਇਸ ਮੰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਪੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 23 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 11 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਦੀ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਰ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। पर जमीन करके जमीन महंगी है, कॉस्टली है, इस जमीन नू हड़पण वास्ते जीम नू ग्रैबर करन वास्ते मैं वेले वेले कई बारी अपने प्रशासन नू सुचेत कीता है, भई महाराज जी इन्हां जमीना दे उत्ते कब्जे करन वास्ते एक बहुत वड्डा माफिया सक्रिया है, उत्ते नत पाई जावे, और अज अज ओ गल आ गई सड़कां ते, भई जिहड़ा माफिया लैंड ग्रैबर्स है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਦੇ ਲੀਵ ਦੇਅਰ ਹੈ ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।